रजत जयंती वार्षिक उत्सव के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में हम सबको प्रेरणा देने वाले हम सबके प्रेरणा स्वरूप पूज्य स्मरणीय पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य सारनाथ पीठाधीश्वर राज राजेश्वर आश्रम जी महाराज पूज्य गुरु जी लाभ देवी जी माननीय राज्य मंत्री प्रथम प्रभार माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार श्री राजू माहेश्वरी जी जो विगत कई वर्षों से लगातार विद्यालय के विकास के लिए हमारे यहाँ के बच्चों के सर्वांगीण उनके उन्नयन के लिए लगातार अपनी सेवाएं प्रबंधन के नाते यहाँ पर दे रहे हैं। आदरणीय जयपाल सिंह जी अध्यक्ष पंडित राम प्रसाद शर्मा जनता कृषक इंटर कॉलेज हमारे प्रधानाचार्य जी एवं विद्यालय के सभी हमारे शिक्षकगण शिक्षिकाएं और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे सभी अतिथिगण सभी हमारे मीडिया के बंधु और आज के जिनके ये कार्यक्रम जिनके निमित्त इतना शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और पूज्य महाराज जी और हम सब लोग यहाँ उनके सानिध्य में यहाँ पहुँचे हैं ऐसे हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज पंडित राम प्रसाद शर्मा जनता कृषक इंटर कॉलेज के इस वार्षिक उत्सव के लिए और इस रजत जयंती वर्ष के भी जिसमें 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और मैं यहां आकर देख रहा हूं और इससे पहले भी मुझे एक बार पहले भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैं विद्यालय के कार्यक्रम में आया था पूज्य महाराज जी के सानिध्य में और मैं देख रहा हूँ लगातार विद्यालय एक अपनी ख्याति प्राप्त कर रहा है, हर क्षेत्र में विद्यालय का नाम हो रहा है। और जो छोटा सा एक पौधा रोपा गया था वो अब वट वृक्ष का रूप ले चुका है और इसको सींचने में पूज्य महाराज जी का जो योगदान है वो हम सब भली भांति जानते हैं। और अमर उजाला के संस्थापक स्वर्गीय श्री अतुल माहेश्वरी जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्त जी का, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी का भी इस विद्यालय से बहुत जुड़ाव रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी मैं शिक्षा के मंदिरों में किसी विद्यालय के कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में जब भी मुझे जाने का अवसर मिलता है तो बहुत व्यस्तता होने के बाद भी मैं कोशिश करता हूं कि मेरी प्राथमिकता हो कि मैं अपने भविष्य के कर्णधारों के बीच में रहूं, उनसे जरूर मिलूं। और इस अवसर पर एक मुझे अपने मित्र की कही हुई एक बात बड़ी सार्थक समझ में आती है कि कुछ लोग साधारण नहीं होते बल्कि वो जीवन रूपी अंक को पूर्णांक में बदलने का कार्य करते हैं। और मैं शिक्षकों के बीच में आता हूं तो जरूर उनसे कहता हूं कि शिक्षक भी किसी भी विद्यार्थी के जीवन को प्रकाश एवं उन्नति की ओर ले जाने का काम, सामान्य से असाधारण की ओर ले जाने का काम ये कोई माध्यम है तो हमारे गुरुजन हैं जो अपने मार्गदर्शन से अपनी शिक्षा से एक विद्यार्थी के अंक से उसको पूर्णांक बनाने का काम करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। अभी हमने राजू जी की भी यहाँ से उनके उद्बोधन में सुना और बहन तिलोवत गुलाबो देवी जी ने बहुत शानदार ज्ञान की विज्ञान की और धन की और बलवान की
जो हमारे सामने बात रखी उसका निश्चित रूप से विशेष महत्व हमारे जीवन में शिक्षा का है, और शिक्षा का वह क्रम जिसमें व्यक्ति का भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक जो विकास है सुनिश्चित होता है। इस प्रकार किसी शरीर को जीने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अच्छे और महान व्यक्तित्व के निर्माण के लिए शिक्षा का होना भी बहुत जरूरी है। मैं आए हुए सभी अभिभावकगणों से भी कहना चाहता हूं कि हम अपने कर्णधारों को, अपने बेटियों को, बेटियों को बहुत धनवान न बना पाए, बहुत उनको पूंजी न दे पाए, लेकिन शिक्षा देने का काम हमें जरूर प्राथमिकता से करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा उसके संपूर्ण जीवन भर काम आने वाली है। क्योंकि शिक्षा और संस्कार मनुष्य के दो जीवन के सबसे कीमती उपहार हैं, जो व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देते हैं। और जब मनुष्य में शिक्षा और संस्कार दोनों का ही विकास होता है, तभी वह परिवार, समाज और देश के काम आता है। हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं शिक्षा का मतलब केवल हम किताबी जो ज्ञान तक ही सीमित न रहे, बल्कि अच्छी शिक्षा के लिए चारित्रिक रूप से भी विकास यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। और इसमें जहां हमारे गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान है, वहीं अभिभावकों का यानी माता पिता का, और उनका भी, माता पिता और गुरु तीनों का ही इसमें बहुत अहम योगदान होता है। मेरा मानना है कि माता पिता और शिक्षकों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों को सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाएं, उन्हें दूसरों की मदद के लिए प्रेरित करें। माता पिता, शिक्षक और अपने से बड़े, जिन्होंने हमको जीवन में कोई मार्ग दिखाने का काम किया, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने एक विशेषता को प्राप्त किया है, उन सबका हम अनुसरण करें, उनका सम्मान करें, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना सिखाएं, उन्हें सहनशील, कर्तव्यनिष्ठ बनाएं, तथा सभी से कहीं ना कहीं आत्मीयता का भाव, आपस में प्रेम का भाव उनके अंदर रहे, यह भी अच्छी शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में जो डिग्री हासिल करता है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मात्र है, जबकि असली डिग्री अगर मैं कहूंगा तो उसके संस्कार होते हैं, उसके अंदर जो शिक्षा आती है वो शिक्षा होती है, और वो उसके व्यवहार में झलकते हैं। प्राचीन काल में भारत में संस्कारों का पाठ पढ़ाया जाता रहा है। विद्यार्थी को सबसे पहले कहते थे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव एवं अतिथि देवो भव, इसकी शिक्षा दी जाती है, ताकि वह उम्र भर अच्छाई के रास्ते पर चलकर एक मर्यादित इंसान बने और अपने बड़ों का नाम रोशन करे। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्रिय छात्र हैं, छात्राएं हैं, जब वो किसी भी क्षेत्र में जीवन में आगे बढ़ते हैं तो फिर वो केवल एक माता पिता के पुत्र या पुत्री तक नहीं सीमित रहते, किसी भाई के या बहन के, भाई बहन के नाते सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे समाज की, पूरे क्षेत्र की, अगर किसी मोहल्ले में रहते हैं तो पूरे मोहल्ले की, गांव की, उस शहर की, गांव में रहते हैं तो गांव की सारी जो भावनाएं होती हैं उनके साथ जुड़ जाती हैं, उनके साथ एक ऐसा भाव कि वो आशीर्वाद के रूप में, दुआओं के रूप में लगातार उनके साथ चलता है जो जीवन में आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमें ज्ञात है, हमारा देश भारतवर्ष प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है, और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, ज्ञान का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत आज तरक्की कर रहा है। पूरे विश्व के अंदर आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। मैं दुनिया के देशों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, मैंने देखा कि लोगों की एक श्रद्धा, लोगों की एक आस्था और विश्वास हमारे देश के लिए बड़ा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण है। एक समय ऐसा भी था जब बड़े बड़े मंचों पर हम अपनी बात भी नहीं कह पाते थे, अपने हितों की बात जोर से बोलने में भी हमको कहीं ना कहीं संकोच होता था, और अब एक ऐसा समय आ गया है कि विश्व के मंचों पर कहीं भी
अगर कोई बड़ी घटना होती है तो आज दुनिया भारत के रूप का इंतजार करती है। ये नया भारत, दुनिया को दिशा देने वाले भारत, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश को नई शिक्षा नीति प्राप्त हुई है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि मैं उत्तराखंड से आया हूं, तो आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि हमने राज्य में शिक्षा नीति को लागू कर दिया है और नई शिक्षा से सभी वर्ग के लोगों के समानता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। जिस प्रकार की शिक्षा नीति बनाई गई है उसमें एक छात्र छात्रा के सर्वांगीण विकास की पूरी थीम रखी गई है। युवाओं के कौशल विशाल हो चाहे अनेक स्तर पर, हर स्तर पर उससे नई शिक्षा नीति से सहायता मिलने वाली है। इस नीति से जहां एक ओर शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलने वाला है, वहीं दूसरी ओर युवा पीढ़ी को जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए कोई अलग से कोचिंग संस्थान में जाना हो, किसी अन्य से ट्यूशन इत्यादि की व्यवस्था करनी हो, वो अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे प्रावधान नई शिक्षा नीति में किए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में आज युवाओं के भविष्य को समृद्ध बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उस रोड मैप के अनुसार हमने उत्तराखंड में युवाओं को प्रत्येक स्तर पर उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, यहाँ भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और हमारे उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकारों में जहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जा रहे हैं, वहीं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए पूर्ण रूप से ध्यान दिया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा जो आज देश के अंदर एक नया मॉडल, एक ऐसा भारत जो दुनिया को दिशा देने वाला भारत हो, उनके निर्देशन में आगे बढ़ते हुए और एक विकसित भारत की जो संकल्पना की गई कि 2047 तक भारत विकसित भारत के रूप में पूर्ण स्थान ले लेगा, निश्चित रूप से हम इस मार्ग पर सफल होंगे। अभी अभी हम लोगों ने जिस प्रकार से देखा देश के अंदर